नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस प्रश्न की बात करने वाले हैं उस प्रश्न को हम देख लेते हैं। प्रश्न है कि पांच लगातार सम संख्याओं का औसत 24 है तो पहली और आखिरी संख्या में अंतर कितना है। उसने कहा है कि पांच संख्याएं हैं और कैसी हैं, लगातार। तो हम पांचों संख्याओं के गोले बना लेते हैं। अब औसत कितना है, 24। तो जो औसत रहेगा वो बीच वाली संख्या रहती है, यानी ये क्या रहेगी, ये संख्या 24 रहेगी। जब ये 24 है और संख्याएं कैसी हैं, संख्याएं सम हैं, तो हम पीछे कौन सी बढ़ाएंगे, यहाँ 22 होगी, यहाँ 20 होगी। आगे बढ़ाएंगे तो 26 होगी, ये 28 होगी, ठीक है। अब उसने कहा पहली और आखिरी में अंतर कितना है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो 28 में से 20 जब हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। यानी पहली और आखिरी संख्या में अंतर कितना है, तो पहली और आखिरी संख्या में अंतर 8 है, ठीक है। अब इसको दूसरे प्रकार से भी लगा के देखते हैं। अब जब पांच संख्याएं हैं तो उन संख्याओं के बीच अंतर मतलब गैप कितना होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4, तो गैप की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। यानी जितनी संख्या होगी गैप हमेशा उससे एक कम होगा। तो संख्याएं कितनी है, 5, तो गैप कितना हो गया, 4। अब सम संख्याएं हैं तो 2 का अंतर रहेगा, विषम संख्याएं हैं तो भी 2 का अंतर रहेगा, और रेगुलर संख्याएं हैं तो अंतर 1 का रहेगा। यहाँ सम संख्याएं हैं तो 4 × 8, अंतर निकल के कितना आ जाएगा, 8। तो आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं और इस मेथड से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो दोनों में से जो मेथड आपको सही लगे उस मेथड से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।